बड़ी खबर आपको आगरा से बताते हैं, जहां पर ताज महोत्सव में कलाकारों का अपमान हुआ और कथक डांस कलाकार प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के लिए तरस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर कलाकारों का अपमान हुआ और पर्यटन विभाग और प्रशासन लिखा बेपरवाह। ताज महोत्सव में नहीं पहुंच रहे शहर के लोग, शहर के लोगों से नहीं जुड़ सका आयोजन, ताज महोत्सव छोड़ अन्य कामों में मग्न हुए अधिकारी। बड़ी खबर आगरा से, जहां पर ताज महोत्सव में शहर के लोग नहीं पहुंच रहे हैं और शहर के लोगों से नहीं जुड़ सका है आयोजन। ताज महोत्सव में हुआ कलाकारों का अपमान। बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां पर कथक डांस कलाकार प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के लिए तरसे। पर्यटन विभाग और प्रशासन भी परवाह दिख रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही, क्या इस प्रोग्राम के बारे में शहर के लोगों को जानकारी नहीं दी गई? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है जैसे लोगों को पता ही नहीं है इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में। जी, आपको बिल्कुल बताऊं, ताज महोत्सव जब से शुरू हुआ है वो विवादों में ही है। जहां वंदे मातरम पर यहां पर रैंप कैटवॉक की जाती है, वहीं आज कल जो देखने को मिला वो कथक डांस हो रहा था। दिल्ली से रचना शर्मा आई थी अपने पूरे दल के साथ, वो कथक की प्रस्तुति दे रही थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भी दर्शक वहां पर मौजूद नहीं था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भी दर्शक वहां पर मौजूद नहीं था। चंद पुलिस वाले बैठे हुए थे और मीडिया के हम लोग थे, इसके अलावा एक भी दर्शक नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन विभाग जो खुद आयोजन इस कार्यक्रम को कर रहा है, आयोजन समिति से जुड़े हुए जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिस तरीके से एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है उसके दर्शक और उसकी तालियां, लेकिन मंच पर वो बेचारे, चूंकि वो साधना से बंधे होते हैं, उनको तो प्रस्तुति देनी थी। उनका कहना होता है कि अगर हमारे सामने कोई एक शख्स भी बैठा हुआ है तो हम उसी तन्मयता के साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं जितनी की खचाखच भरे माहौल में। लेकिन जिस तरीके से वहां पर दर्शकों का टोटा था, निश्चित तौर पर उनका अपमान हुआ। जब इस बारे में डीएम आगरा एनजी रवि कुमार से बात की गई, पर्यटन के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि दर्शक नहीं आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि आगरा के अंदर पहले ऐसा होता रहा है, जब भी ये कार्यक्रम हुआ है तो आगरा से सिटी बसों का संचालन हुआ है जो ताज महोत्सव के आने जाने के लिए लगी रहती थी। मनीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे थे, जहां पर कलाकारों का अपमान किया गया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।